तानसेन अब सर्कस में आ गया, आ गया। ओ मेरी प्यारी बिंदु, ओ मेरी भोली बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भवर में गुड़ गुड़ गोते खाए झटपट पार लगा दे। ओ मेरे कॉमेडी सर्कस, मैं पहली बार यहाँ खड़ी हूँ, मुझे हौसला दे दे, मुझे स्टार बना दे मेरे कॉमेडी सर्कस। पिछले 4 साल से लगातार चल रहे कॉमेडी सर्कस ने नए नए आयाम बनाए हैं। हमने टेलीविजन के उन एक्टर से भी कॉमेडी करवाई है जो हमेशा दर्शकों को रुलाते रहे हैं। TRRP के जरिए TRP बढ़ाने वाले इन एक्टर्स ने भी हंसी का मेलोड्रामा किया। एक्टर्स के बाद बारी थी क्रिकेटर्स की, भाई उन्होंने भी हंसी के खूब चौके छक्के लगाए। ऐसे में हम सिंगर्स को कैसे पीछे छोड़ देते, इसीलिए इस बार हम लेकर आए हैं हंसी का एक नया सुर, कॉमेडी की एक नई ताल, कॉमेडी सर्कस के तानसेन। तो आइए सबसे पहले बुलाते हैं हंसी की हमेशा बहने वाली महानदी, जो पिछले कई सालों से छोड़ नहीं रही है जज की गद्दी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली लाफ्टर क्वीन अर्चना पूरन सिंह। अर्चना को 11 मुल्कों के कॉमेडियन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो उन पंचेस पर भी हंसती है जिन पर हंसना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सर्कस में लोगों ने बाल अपने फिर नोचे, आई है ये लेडी लाफर के लेकर लोचे। जरा देखो कौन आ गई है, कई जज को जो खा गई है, ये हंस हंस के सबको डराए, सनी से डबल जिसकी बाहें, ऐसा आइटम नहीं है बना, इसको पहचान लो अर्चना। वैसे अर्चना जी, अब मैं आपका क्या स्वागत करूं, क्योंकि 4 साल से आपने जज की जो कुर्सी संभाली है वो तो आप छोड़ नहीं रहे हैं, तो क्या इरादे आगे? इरादे बहुत नेक है मेरे, मतलब मैं यहाँ से ये लोग मुझे निकालेंगे भी तो नहीं निकलने वाली मैं। मैंने उस सीट पर अपना परमानेंट नाम लिखवा दिया है, अभी अभी रजिस्ट्रार के ऑफिस गई थी, रजिस्ट्री करवा कर आ रही हूँ। जोड़ियों को तो उनकी तानसेन मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि आपको भी तानसेन मिलने वाले हैं जो आपके साथ बैठेंगे। हम जैसे शेर दिल वालों के साथ कोई दलेर दिल वाला ही बैठेगा, है ना? हर तरफ तू है, तू ही बस तू है, हर तरफ तू है, तू ही बस तू है, रंगे खुशबू है, जलवा चार सू है। कॉमेडी सर्कस का है सीजन नया, हर नया कॉमेडी का है ये सीजन नया, हर नया पप 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 पप। ऐसी है अपनी कॉमेडी, सबकी हो गई खाट खड़ी, हमसे बेहतर हमसे बढ़कर है नहीं कोई। तानसेन अब सर्कस में आ गया, आ गया कॉमेडी सर्कस का सीजन नया, नया।
हंसेंगे बाकी होंगे ढेर। कॉमेडी को पंजाबी तड़का लगा हा लगा। कॉमेडी सर्कस का है सीजन नया हा नया। कमाल करते हो जब भी स्टेज पे आते हो। मेरी तरफ से बहुत 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 आपको स्वागत इस शो पर। सत श्री अकाल जी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जितने सारे हमारे सामने स्टार बैठे हैं, इन सबका बहुत बहुत फैन हूँ। इनके साथ भी बहुत ज्यादा फैन हूँ अर्चना जी का, जिन्होंने 4 साल से ये कमान संभाल रखी है और इसको 4 चांद लगाए हुए हैं। तो यहाँ दलेर पाजी इन जोड़ियों के साथ साथ तानसेन भी जो हमारे हैं गायक हैं, वो भी कॉमेडी करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि सिंगर्स में कॉमेडी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है? कॉमेडी की एक टाइमिंग होती है, एक आपने उस लय में रिदम में बात करनी है, तो वो वही कर सकता है जो म्यूजिक के साथ बहुत ज्यादा जिसको लगाव हो, समझ हो। तो बस कॉमेडी को पंजाबी तड़का लगा हा लगा। कॉमेडी सर्कस का है सीजन। कौन सा तानसेन होगा कौन सी जोड़ी का हिस्सा, उसका फैसला होगा कल के एपिसोड में। मगर आज हम देने वाले हैं एक सरप्राइज। कुछ ही देर बाद आपकी मुलाकात होगी रणवीर शौरी से, मगर वो यहाँ क्या करने वाले हैं उसका खुलासा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। फिलहाल बुलाते हैं हमारे पहले तानसेन को। ये है तो एक लड़की, मगर इनसे अच्छे अच्छे डरते हैं। ये है एक रैपर, तो सब लोग अपनी अपनी इज्जत संभाल के बैठना, क्योंकि अब आ रही है हार्ड कोर रैपर। थैंक यू। हेलो अर्चना जी, क्या हुआ आप सुबह जिम नहीं आई? पता है वो बिंदु ना दारा सिंह को फोन करके बोल रहा था कि सेहत क्या हमारे खाक बनेगी, हमारा तो कोच ही नहीं आता। आपको याद है ना मैं कौन हूँ? वो पिछले हफ्ते जब आपके गले में वो डंबल फंसा था, मैंने ही तो निकाला था। कितनी बार बोला है घी लगा के खाया करो, सूखा लोहा गले को नुकसान देता है। सही बोला। हेलो दलेर जी। मेरी और दलेर जी की जो दोस्ती है ना बहुत पुरानी है। एक ही अस्पताल में पैदा हुए थे वहाँ ना, ये ऊंचा ऊंचा रोते थे और मैं यहाँ रैप करती थी। पता है अभी भी इतनी बड़ी फोटो लगी उनके अस्पताल में, नीचे लिखा है सबसे ऊंचे स्केल पे रोने वाला बच्चा। अर्चना जी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ना बहुत हार्ड वर्किंग हूं, तभी तो मेरा नाम हार्ड कोर है। हम दोनों का ना बिल्कुल सेम फंडा है ना अर्चना जी, गलासी पियो टल्ली हो जाओ और 4 बजे घर आओ तो हो जाए। All I wanna say is turn the volume up on the speaker, pump up the bass like this. All I wanna say is turn the volume up on the speaker, pump up the bass like this. Let's go. आजू बाजू हट सब कॉमेडी के स्टार, सबको हंसाने को तो आई हूँ मैं यार। हमसे कितने दम है कितने कितनी है ये धार, हमसे पंगा ने ना कर दू तेरी पैंट फाड़। माइंड ब्लोइंग आज यू, हेलो बेबी हाउ आर यू, लेट मी टेल यू समथिंग दैट इज रियली नाइस टू सी यू। हम सारे सिंगर चल रहे तन के, आ गए दलेर पाजी यहाँ जज बन के। 4 सीजन हो गए लेकिन मस्ती अभी बाकी है। पुछ हैंड्स अप। मजा खूब उड़ाया लेकिन मस्ती अभी बाकी है। साला अपुन भी आया, सारी मस्ती अभी बाकी है। बाकी सबने हंसाया लेकिन मस्ती अभी बाकी है। हार्ड कोर आ गई, हार्ड कोर अभी बाकी है। अर्चना जी
क्या ख्याल है ये हिप हॉप हर लेडी रैपर के बारे में? हार्डकोर यू नो योर स्पिरिट और आपकी जो एनर्जी है, जिस भी टीम में आप जाएंगी आई थिंक आप उसमें चार चांद क्या, यू विल बी सच अ बिग एसेट एंड अ वेरी डेडली परफॉर्मर अलोंग विद देम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. विलेन पाजी आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी बॉलीवुड की एक ही रैपर है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है और रब इसी तरह बहुत बहुत सारी खुशियां और तरक्की देता रहे बस. थैंक यू पाजी. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच फॉर द वन एंड ओनली लेडी रैपर हार्डकोर. थैंक यू. अब मैं जिस जोड़ी को बुलाने जा रही हूँ उनमें से एक में तो जानवर की आत्मा समाई हुई है. कभी वो कछुआ बन जाते हैं, कभी चींटी बन जाते हैं, और अरे भाई कभी कभी शेर भी बन जाते हैं. लेकिन मैं बिल्कुल प्यारे, और उन्हें देखकर ये कहने को मन करता है चीतू रहे बेटा. और दूसरे के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट कर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते. अच्छा जी, जरा ये सोचिए कि अगर सलीम और जावेद फिर से एक साथ लिखना शुरू कर दें, और दलेर जी ये सोचिए अगर जतिन और ललित फिर से एक साथ म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दें तो क्या होगा, और आप सोचिए अगर सुदेश और कृष्णा की जोड़ी फिर से कॉमेडी करना शुरू कर दे तो क्या होगा. जी हाँ, दोनों की एक साथ वापसी होने वाली है. बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कल्स के तानसेन. प्लीज वेलकम बैक विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज द ऑसम टूसम जोड़ी कृष्णा एंड सुदेश. इस डॉन को 11 चैनल के प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं. लेकिन ये डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान है. इंसानों को छोड़ो, बार मेरे को एक चूहे ने पकड़ लिया. कहता ओए सुदेश इधर आ. मैं कहा हाँ जी चूहा साहब. चल स्टैंड अप कर. ओ मैं कहा जा जाके तबला बजा. आपका ध्यान उधर ही क्यों जाता है यार? मैं हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही सिंगरों को मानता हूं. पहले नंबर पे तो अपने आप को, दूसरे नंबर पे मुझे, और दूसरे नंबर पे आप जो भी हमें सिंगर दे देंगे उसको. वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो ताकी और कृष्णा किधर है? क्या ना मार मुझे. अरे मारू नहीं तो कभी आपकी आरती उतारू. अरे सुदेश जी, सुदेश जी कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है आपके बिना यहाँ मैंने कितने मजे लिए. कहाँ चले गए थे? कृष्णा मत पूछ यार. ओके. नहीं नहीं तू तो पूछ यार, मैं बताता हूँ क्या हुआ. तेरे भाई ने कितने दुख से है तुम्हें पता नहीं? मेरे भाई ने दुख है? क्या हुआ मेरे भाई को? मेरा भाई तो घर पर है. नहीं नहीं हाँ मैं तू. हाँ. क्या हुआ तेरे को? मेरे को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था. अरे तो फिर छोड़ा क्यों उन्होंने तेरे को? सालों ने 10 करोड़ रुपए मांग ले. 10 करोड़ रुपए? नहीं सॉरी 1500. अबे साले क्या बकवास कर रहे, कहाँ 10 करोड़ कहाँ 1500 है? तुझे मैं फर्क नहीं नजर आता? अच्छा अब तेरे को फर्क नजर आने लगा है? पहले 10 करोड़ का कॉमेडियन छोड़ के 1500 रुपए वाले बंदे के साथ यहाँ कॉमेडी कर रहा था, तब तेरे को फर्क नहीं है साले? या साले शर्म क्यों आएगी मेरे को? अर्चना जी आप जानती हैं कभी कभार मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, है कि नहीं? चलो ठीक है तू मेरा बाप बन जा, मुझे रख ले. मेरा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे रख लेगा ना तू? अगर मुझे तो जीत जाएगा नहीं तो हार जाएगा. नहीं तो हार जाएगा. व्हाट? अबे इसका पिछला शो जुबली कॉमेडी सर्कस में जीत चुका हूँ. क्या वो तू जीता? हाँ हाँ मैं जीता हूँ. 6 लोग जीते. अरे इतने लोग वहां जीत गए, इतने तो हारे भी नहीं थे यहाँ पे. और तुमसे अच्छा तो मैं हूँ, मैं यहाँ पे आया ही नहीं. आया ही नहीं तो साले अब क्यों आया है तू? अब क्यों आया है? प्यार की वजह से, अपने फैंस की वजह से. दलेर पाजी जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है. लोगों ने भूख हड़ताल कर दी. कहाँ के लोगों ने? मेरे घर के लोगों ने. भूखे मर रहे थे बेचारे, कहते पापा चले जाओ, गमंड छोड़ दो. मैं आ गया.
असल में ये है कि बहुत होगी कॉमेडी, अब कुछ नया करना चाहता हूँ मैं। अच्छा क्या? अब मैं सोच रहा हूँ मैं जज बन जाऊँ। अबे कुत्ते, पहले तू परफॉर्मर तो ढंग का बन, जज की बात में सोच। परफॉर्मर अच्छा नहीं हो तभी तो सोचे मैं जज बन जाऊँ। अबे साले, इसका मतलब ये परफॉर्मर अच्छे नहीं है? नहीं नहीं, वो तो क्या बात है, ओ तुनक तुनक तुन 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 दा दा दा, क्या बात है, मैं फैन हूं ऐसे परफॉर्मर दलेर मेहंदी साहब। और अर्चना जी? उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? जिस बंदे को मैं जानता ही नहीं मैं क्यों बोलूं? अच्छा, इस बंदी को मैं जानते ही नहीं मैं क्यों? छह महीने क्या हो गया चला कि तू अर्चना जी को नहीं पहचानता? यार तू मेरी बात को समझ, मेरी पीठ पीछे सब कुछ बदल गया, मैं क्या करूं, मेरा कोई कसूर नहीं। देखो कल संडे था, आज मंडे हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं कहीं नहीं जाता, वहां भी दिन बदल जाता था, मैं क्या करूं? अर्चना जी, मैंने इसको मना किया था दूसरे शो पर मत जाना, मत जाना। इसने मेरी नहीं सुनी, सुदेश पागल हो गया है। पागल नहीं, अब तो मेरे को अकल आई है। अच्छा? कि वाकई यार मुझे ऐसे शो में नहीं जाना चाहिए जहाँ इज्जत और पैसा भी मिले। अब मैं यही रहूंगा। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अपने तो अपने ही होते हैं अर्चना जी। आप ही हो जो मुझे माइंड ब्लोइंग कहती हो। सुदेश जी आप सच में मेरे पास वापस आ गए? हाँ जी, हाँ जी। अरे सुदेश जी, झट जफी जुफी का कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? क्योंकि मजा फिर नहीं आना, वही बातें वही चीजें होनी। नया क्या है इस शो में? अबे इस शो में नया हो रहा है क्या, हर एक जोड़ी को एक एक नया सिंगर बांट रहे हैं। सिंगर बांट रहे हैं? हाँ। इससे अच्छा कंबल बांट दें। हमको क्या फायदा होगा? नहीं नहीं, बांटने तो कंबल ही थे। हाँ। लेकिन बहुत महंगे मिल रहे थे। फिर 10-10 रुपए किलो पे सिंगर्स लाए। 10-10 रुपए किलो? हाँ। ओ वाह वाह, इतने अच्छे सिंगर 10 रुपए किलो, बहुत सस्ते हैं, तालियां। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में दिल खो जाता है, दो दिल दोनों जवां आंखों को है ये बयां, दोनों के दरमियां कोई भी है न यहां। पर्दा पर्दा हाँ, पर्दा पर्दा हाँ, आंखों से कैसा पर्दा, पर्दा पर्दा हाँ, पर्दा पर्दा अपनों से कैसा पर्दा। अरे दिलेर जी, आप यहाँ पर भी? मैं उस शो में गई थी, आप वहां आ गए। अब मैं इस शो में आई हूँ, आप यहाँ पर भी आ गए। जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मुझे जज कर जाते हो। ये बात ठीक नहीं है दिलेर जी, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया ना, आई स्वेर बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। बता, हेलो, हाय मीका डार्लिंग। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मीका क्या है ना, जो तुम्हारे भाई है ना दिलेर जी, वो मुझे नंबर देने के लिए यहाँ तक आ गए। नहीं नहीं, फोन नंबर नहीं, कॉमेडी के नंबर। नो डार्लिंग, गुंडों को मत भेजो, मेरे पास अर्चना है। अर्चना जी, आप शायद नहीं जानती कि मुझे इस शो में एक बहुत ही खास शख्सियत लेकर आई हैं, और वो है सुरों की देवी लता मंगेशकर जी। लता जी के लिए एक बार जोरदार ताले हो जाए। नमस्कार सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जय महाराष्ट्र। Let's
चेहरे के पीछे कई चेहरों की आत्मा समाई हुई है इनमें, क्या कहना चाहेंगी? बट आई एम वंडर स्टक. सुगंधा आप इतना अच्छा गाती हैं, चलिए आपका पेशा सिंगिंग है, लेकिन आई मीन हाउ वेल यू मिमिक अदर पीपल. इतना टैलेंट, आई मीन आप जिस भी टीम में जाएंगी, जो बाकी टीमें होंगी आप उन पर बहुत भारी पड़ेंगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ. ऑल द बेस्ट टू यू. भले जी, रखी इज्जत जी. मैं बहुत बहुत सुगंधा जी का बहुत बहुत फैन हूँ, क्योंकि एक ही आवाज़ में इतनी सारी चीज़ें कैसे अलग अलग हो सकती हैं, कैसे आवाज़ चेंज हो सकती है. बेस्ट ऑफ लक, रब रखा. थैंक यू. चक्र अर्चना जी, आप आ रही है एक बहुत ही कमाल की जोड़ी, और इनको देख के ही हंसी आ जाती है. इस जोड़ी का आपस में बना है कुछ पवित्र रिश्ता. सो प्लीज वेलकम द इंडियन लॉरेल एंड हार्डी, सुमित अरोरा एंड जिमी मोसेस. जैम्बो 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 बाना हवारिया को मजदूरी साना खोगेनी खोगारी विश्वा केन्या ये तू अपुना मदादा अपुना मदादा. अर्चना जी, Yes. लग रहा हूँ ना जीतंदर अफ्रीका का. दलेर पाजी, आप साक्षात पाजी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन होते ना, आपको हंसाने के लिए कोई जोक की जरूरत ही नहीं होती. पब्लिक में घुस जाते, गुदगुदी करते. ओ मेरे नाल हंस, नहीं तो तेरी मेरी बस मुंह खोलना. तुलक 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 तुलक. ताजी, आप तो इतने एल्बम हिट है, तो इस बम के बाजू में क्यों बैठे हैं? आपको मालूम नहीं है, इनके बम के विस्फोट से पीड़ित कई जजेस दूसरे शो में कंटेस्टेंट बने फिर रहे हैं. मैं करोड़ों का स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, लेकिन आजकल 2 रुपए में भी कोई खरीद नहीं रहा है. इसलिए मैं ऐसा कोई पार्टनर ढूंढ रहा हूँ जिससे मेरी गाड़ी चल जाए. अबे ओ, कौन है तू, रो क्यों रहा है? अरे भाई, मैं जो सीरियल करता हूँ ना, हाँ? पवित्र रिश्ता, हाँ? उसमें मेरी 2-2 बीवियां हैं. ओहो, 2-2 बीवी रखते हो और नाम रखते हो पवित्र रिश्ता. अबे मोटू, तू मेरे साथ क्या कॉमेडी कर रहा है? अरे मेरे भाई, एक बात बता, जिस आदमी की 2-2 बीवियां हो, हाँ? वो कॉमेडी कर सकता है? नहीं. क्यों अर्चना जी, परमित जी कॉमेडी कर सकते हैं? परमित के 2 थोड़ी हैं. अरे अर्चना जी, अकेली 2 के बराबर. पर भाई, मेरे तो सच में 2-2 बीवियां हैं. तो फिर एंजॉय करना यार, टेंशन में क्यों है? अरे यार, दोनों को टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं. टाइम मैनेजमेंट सीख. कैसे? मैं बताता हूँ. हाँ? दिन में 24 घंटे होते हैं. हाँ? 12 घंटे एक बीवी को दे, बाकी बचे 12 घंटे दूसरी बीवी को दे. तो काम पे कब जाओगे? दूसरे दिन. भाई तू ग्रेट है यार, क्या सॉल्यूशन बताया तूने मेरी प्रॉब्लम का. सॉल्व कर दिया तूने मेरी प्रॉब्लम. सॉल्यूशन दे दिया ना. हाँ? एक मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर यार. हाँ बोल. मैं बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, लेकिन इन दिनों बिक नहीं रहा हूँ. तू एड वैड भी करता रहता ना, मेरी कोई ऐसी एड बना दे ताकि मैं बिक जाऊं यार. अरे इसमें क्या है, अभी बना देते. ये अरे वाह, नीचे बैठ, हाथ पीछे कर. ए आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, कॉमेडियन ले लो, धनिया ले. बेवकूफ, तू एक स्टैंड अप कॉमेडियन को सब्जियों के साथ बेच रहा है? अरे सब्जियों के साथ बेचूंगा ना तो तू बिक जाएगा. अकेले कॉमेडियंस को कभी किसी ने खरीदा? अब यही देख लो, इसको बेचने के लिए मुझे साथ में रखा है, एक सेलिब्रिटी को. तू सही कह रहा है यार. एक काम कर, तू मुझे अपना पार्टनर बना ले, हम दोनों की गाड़ी चल जाएगी. अबे हट, मेरा पार्टनर बनेगा? अबे ओए गालिब के गोल तकिए, तुझे सेट करता हूँ. अबे क्या कर रहा है ये? आगे से 40 पीछे से 30 रखा कर, फिट रहेगा, मेरी तरह हिट कॉमेडियन बनेगा. हाँ यार,
मैं अपने मोटापे से बहुत परेशान हूँ यार। अरे मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मैं तुझे एक मिनट में पतला बना देता हूँ। क्यों बात कर रहा है? किसे? भारती के बाजू में बैठ जा। भाई क्या सोल्यूशन दिया यार, ये ग्रेट आदमी है। आज से तू मेरा पार्टनर। पार्टनर पार्टनर। हम दो टैलेंटेड जोड़ी तो बन गए। हाँ, अब ऐसा सिंगर ढूंढना है जो हमारी जोड़ी को एनहांस करे, सूट करे। अदनान सामी को ले लेते यार। ओ यार, वो अपने तीन लाइफ पार्टनर बदल चुका है। हमें छोड़ के चला जाएगा तो। उषा उत्थुप कैसे रहेंगी? वो कौन है? डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो, आंखों से आंखें चार करने दो। यार गाना तो अच्छा है, लेकिन सिंगर कौन है? अरे वही जो अपने माथे पे बड़ी सी लाल रंग की बिंदी लगाती है। ओहो, उनकी बिंदी देखकर ऐसा लगता है जैसे कि स्क्रैच कार्ड लेकर घूम रही है। स्क्रैच करो, नैनो कार बाहर आ जाएगी। भाई नैनो से याद आया, बप्पी दा आजकल घर पे बैठे हुए हैं। बेटा बप्पी दा जैसे लोग घर पे नहीं होते हैं, तो वो लॉकर में होते हैं। हमें सिंगर को एक बहुत बड़ा नहीं चाहिए, हमें तो सपोर्ट करने वाला चाहिए, जैसे कभी धूप हो, बरसात हो, ओहो चाय पीने की तलब हो तो चाय पिला दे, ओहो बैठना हो तो कुर्सी लगा दे, ओहो और टैलेंटेड आदमी को चाहिए क्या है, बस फिनाले जिता दे। थैंक यू। क्या बात है, एक और तड़केदार परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां। अच्छा आपके हिसाब से ऐसा कौन सा तानसेन है जो आपको फिनाले तक ले जाएगा? आशा भोसले है। लता जी वो आपको डायरेक्टली 100th एपिसोड में ले जाएंगी, उनकी छोड़िए। यहाँ जो तानसेन है उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम दोनों के हिसाब से कोई जेंस मत देना। अच्छा लड़की चाहिए। जिमी सुमित अपनी कम अकल मत इस्तेमाल करो, कॉमेडी के आज के लिए रखो, हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो आप जो भी मांगे, आप जो भी देंगे, आप हमारा रिश्ता बना दीजिए। वेरी गुड, बना देंगे। तथास्तु तथास्तु। तो देखते हैं कि आपको रिश्ते में कौन मिलते हैं तानसेन। फिलहाल ऑल द बेस्ट एंड टेक योर सीट। थैंक यू। आठ तानसेन, आठ जोड़ियां, हर जोड़ी को मिलेगा एक तानसेन और बनेगी तीन की तिगड़ी। अब कौन किसे मिलेगा और कौन किसे झेलेगा, इसका खुलासा होगा अगले एपिसोड में। मगर उससे पहले मिलते हैं हमारे तीसरे तानसेन से। अरे बाबा, ये इतनी ऊंची आवाज में गाते हैं कि रिकॉर्डिंग के वक्त माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये तो एसटीडी भी लोकल कॉल में कर लेते हैं। प्लीज वेलकम द सुपर सिंगर कृष्णा ब्योरा। सावन आया फिर ले, तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा रे, शर्त लगा ले, तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे तू ही मौला मेरे, ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। मौला
अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल अर्चना जी, मेरा नाम है कृष्णा ब्योरा, ब्योरा नहीं ब्योरा, और मैं आज आप सबको दूंगा अपना पूरा ब्योरा। मैं 100% 200% 300% और 500% ये कह सकता हूँ कि आपने मेरे बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन 1000% ये कह सकता हूँ कि आपने मेरे गाने जरूर सुने होंगे। क्यों अर्चना जी, आपने भी सुने ना? 1000 ये गाना सुना था आपने, मौला मेरे ले ले मेरी जान। यस ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी। और नमस्ते लंदन का वो गाना है ना, मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ, अर्चना जी किसने गाया वो गाना? राहत फतेह अली खान। देखिए यही तो बात है ना, इससे बड़ी कॉमेडी क्या है कि गाने मैं गाता हूँ, शो कोई और कर रहा है। कहीं तो बीते कल की जड़ें दिल में ही उतर जाती हैं, कहीं जो धागे टूटे तो मालाएं बिखर जाती हैं। मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं, कॉमेडी सर्कस की याद साथ है। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है, कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पके भी ये मन ही मन कहता है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। मेरे अपने गाने जो मैंने गाए हैं उसका क्रेडिट मुझे मिल जाए ना तो मुझे बहुत बड़ी राहत मिली। और जहां तक रही कॉमेडी के बात, तो मैं बैंडमैन से बैडमैन भी बन जाऊंगा और हंसते हंसते सबका दम निकाल दूंगा। बैडमैन ही क्या, अरे भैया मैं तो ओल्ड मैन भी बन सकता हूँ। तो बोलो जय हनुमान की कृपा भगवान की जय हो। आप जहां रहे जहां कहीं भी रहे इस आवाज को कोई भूल ही नहीं सकता। बिल्कुल, और मैं जहां कहीं भी रहूं कॉमेडी सर्कस की याद हमेशा साथ रहे। क्या बात है। तो अर्चना जी, एक कृष्णा की तो आप दीवानी हैं ही, इन कृष्णा के बारे में आपका क्या कहना है? कृष्णा, आपने इस स्टेज पर आकर ना ही अपनी गायकी से लेकिन अपनी कॉमेडी टाइमिंग अपनी मिमिक्री के साथ भी 400 चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। दलेर जी, हम लोग बहुत बहुत खुश नसीब हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में वो भी मुंबई के अंदर हमारे पास बिल्कुल पाकिस्तान की टक्कर के एक बहुत अच्छी आवाज़, बहुत सुरीली आवाज़ है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं हूँ कॉमेडी सर्कस का, उस टीम का, कि जिन्होंने आपको इतना अच्छा चांस दिया है और अब आप बहुत जल्दी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाने वाले हो। थैंक यू, थैंक यू। तो आप भी इसी स्पिरिट को बरकरार रखिए और आगे देखेंगे कि आप किस जोड़ी से जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कृष्णा। कौन सा तानसेन किस जोड़ी का हिस्सा बनेगा इसका फैसला होगा कुछ देर बाद, मगर उससे पहले हम मिलते हैं हमारी बाकी के तानसेन और जोड़ियों से। तो चलिए बुलाते हैं एक ऐसे तानसेन को जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से आप सबका दिल जीता है,
और अब वो अपने मस्ती भरे अंदाज से आप सबको हंसाने आ रहे हैं। प्लीज वेलकम अभिजीत सावंत। मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली बिंदु, मेरी माजीरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरे प्रेम की नैया, बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, तू झटपट पार लगा दे, तू झटपट पार लगा दे। अपनी भैया गले में डाल, बन जा मेरे गले का हार, झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। वैसे अर्चना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने सारे सिंगर्स हैं ना, मैं उनमें सबसे महंगा हूँ। जी हाँ, 3.5 महीने तक नेगोशिएशन चला, हाँ तब जाके रेट ब्लॉक हुआ है। वैसे भी आज प्रोड्यूसर से पैसे मांग नहीं है, आपको भी बता देता हूँ क्या रेट है। अरे का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जाय माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया ना 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 ना, 5 रुपया 12 आना, 12 आना, 12 आना। तेरा 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 आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, जोर से ताली बजाओ एवरीवन, या आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जाय माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया मारा आना, मारेगा भैया ना 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 ना, 5 रुपया 12 आना, 12 आना, 12 आना। थैंक यू। क्या बात है अभिजीत, ओरिजिनल इंडियन आइडल। थैंक यू, आपने तो पुरानी यादें ताज़ा कर दी। हम ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस लाफ्टर के यू नो मंच पर मैं वापस एक बार आया हूँ। क्या बात है अभिजीत, बहुत खूब। और यही उम्मीद करते हैं कि कॉमेडी में भी आप इंडियन आइडल बन जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू।